तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेकेंड टेस्ट सीरीज में आया फखरजमा का तूफान। फखरजमा ने थोक दिया है यहाँ पर 145 गेंदों में 13 शतक, जिसके बाद फखरजमा का हो रहा है सोशल मीडिया में चर्चा। बताएंगे पूरा खबर जानकारी आपकी इसी वीडियो पर। उससे पहले आप लोग भी हमारी चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब कराइए, अपना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पर जो टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, 5 मैचों का टेस्ट सीरीज खेला जा रहा है, जहाँ पे इस 5 मैचों का टेस्ट सीरीज के अंदर कल के दिन पहला टेस्ट सीरीज खेला जा चुका है और आज के दिन सेकेंड टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पहली ऑस्ट्रेलिया टीम टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। यहाँ पर फखरजमा और इमानुल्ला हॉक मैदान पर उतर के ही हल्ला मचाया, यहाँ पर फखरजमा ने अपना शतक पूरा किया बस 40 गेंदों में, जिसके बाद इमानुल्ला हॉक बस 20 रन करके आउट होके पवेलियन लौट गया, जिसके बाद आया बाबर आजम मैदान पर उतर के ही जो अपना शतकीय पारी खेला। उसके बाद जब इवन अपना फखरजमा यहाँ पर 150 गेंदों में अपना 13 शतक ठोक दिया, जिसके बाद जो अभी बहुत ही चर्चे में है फखरजमा, तो फखरजमा कितना बेहतरीन बल्लेबाजी को लेके आप बंदू की क्या राय है, अपना राय जरूर बताए कॉमेंट पर।